press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज वन के गैलेक्सो अपार्टमेंट में चौथी मंजिल के फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से घर के अंदर काम करने वाली नौकरानी घर के अंदर ही फंस गई, जिसे दिल्ली पुलिस की और फायर ब्रिगेड की टीम ने घर के अंदर से सही सलामत बाहर निकाला। बताया जा रहा है घर के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। लोगों को घर के अंदर जैसे ही आग लगने का पता लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजेंद्र, क्या हुआ था इस अपार्टमेंट में? तो आपने किसको बताया था? जब आग लगी किसको बताया था? लोगों को बताया, तीन बजे के 15 मिनट पे कॉल मिला है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर कमरे में आग। मौके पर आके हमने देखा तो आग पूरे फ्लैट में थी और हमने उसको 10-15 मिनट करीब मशक्कत के बाद हमने आग को काबू पा लिया। कितनी आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी और कितनी गाड़ियों ने काम किया? गाड़ियाँ मौके पे 6 मौजूद हैं, 6 गाड़ी आई थी। 6 गाड़ियाँ। कितने लोगों ने मिल के आग बुझाई है? ये तो हमारा पूरा टीम होता है, टीम में आग बुझाई। इसमें बताया जा रहा है कि एक महिला जो थी वो पहले से अंदर थी, तो उसका रेस्क्यू किया गया? नहीं नहीं, हम जब मौके पे हमारा टीम पहुंचा है तो महिला पहले पब्लिक ने निकाल लिया था, पर वहाँ मौके पे कोई नहीं था और हम वहाँ आग लगी हुई थी और हमने वहाँ। कितना सर नुकसान हुआ था? नुकसान है, वो घरेलू सामान में आग था। तो कुछ कारण पता लग पाया कि कारण है? वो तो इन्वेस्टिगेशन का, अंदर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा किस कारण से आग लगी। पंकज के साथ राजेश तंवर की रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक के लिए।